गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों को नमस्ते। चलिए तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन हो रहे हैं लाइक बटन दबाते जाइएगा, पहला काम है ना। आज हम लोग सीखेंगे क्या एक्चुअली में, आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है अभी तक का। सीखे तो बहुत कुछ है आप लोग, अब एक्चुअली यूज क्या करेंगे? थोड़ा चाय खत्म कर लो यार, चाय में शक्कर नहीं लग रहा। आज मेरे को चाय ऐसी बना के दे दी यार, चाय में शक्कर नहीं यार। सत श्री अकाल सर जी, किट्टी सिंह नरिंदर, अरे नरिंदर तुम्हारा नाम किट्टी सिंह है तो मैं भूल जाता हूँ, रोज देखता हूँ यार, पगड़ी उगड़ी लगा के आप आते हो। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, शुरू करते हैं क्लास, है ना। मार्केट तो बड़ा भारी ऊपर है, चलो ठीक है, अच्छा है। आवाज वगैरह ठीक है? वॉइस आज ठीक है भैया? पढ़ेंगे कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट है, क्या या मेरे लिए बेस्ट है, विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट फॉर मी। टॉपिक क्या है आज? अरे कैसे लिखा रहे, तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है ना। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं तो 30-40 स्ट्रेटजी बता दिए होंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन सब स्ट्रेटजी को तो यूज करोगे नहीं। तो कौन सा स्ट्रेटजी हम यूज करें इसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा आज के लेक्चर, है ना। तो एक बार फिर से सब लोगों को नमस्ते, है ना। तो देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए दो तरह के लोग ट्रेडिंग करते हैं, है ना। एक तो कोई जॉब में है, जॉब प्रोफेशनल, ज्यादातर जॉब प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं, राइट। और कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, जिनके पास बिजनेस वगैरह है, अपना छोटा मोटा जो भी बिजनेस है। और एक होता है फुल टाइम ट्रेडर। फुल टाइम ट्रेडर हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम फुल टाइम ट्रेडर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप जॉब में हो, ध्यान से समझ लीजिए, बिना किसी तरह का कोई कंफ्यूजन लिए आज के लेक्चर को, बिना कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए समझिए,
बहुत मजा आएगा, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जाओगे आप मार्केट में, क्योंकि एक दो दिन बाद आपका लाइव शुरू होने वाला है। लाइव कर दूं सर? अच्छा, ये भी पूछ रहे सर, लाइव कर दूं? डिसलाइक करके बता, तेरे को रिमूव मारता हूं मैं। क्या नाम है उत्तम? तो डिसलाइक कर दे, फिर बताता हूँ तेरे को मैं। चलो ठीक है, तो जो जॉब प्रोफेशनल हो ना, जो जॉब कर रहे हो एक्चुअली, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं आपका टाइमिंग 9 से 10, सॉरी 9 से 5 है, या फिर आपका 10 से 5 है, जो भी टाइम है, आप सबसे पहले ना एक टाइम डिसाइड कर लो। तो पहले जॉब वालों के लिए बात करें, पहले जॉब वालों के लिए बात करते हैं। फुल टाइम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी तो करो, हम उसके लिए बाद में करेंगे, फिर पार्ट टाइम वाले के लिए बात करेंगे। तो जो जॉब प्रोफेशनल है ना, जो जॉब प्रोफेशनल है वो क्या करे, आप एक टाइम निर्धारित करो। क्या करो? टाइम फिक्स करो कि मुझे 9:30 का ट्रेड बनाना है, ठीक है, 9:30 में ट्रेड डालना है, या मुझे कब टाइम मिलता है, आपके सुइटेबल अनुसार, आपके टाइम के अनुसार। मैं कह रहा हूं ना, आपको एक मजेदार बात बताऊं, अगर 9:30 में आप सुबह एवरीडे बाई करते हो ना, बाई ऑप्शन बाई बात कर रहा हूं, तब भी आप अल्टीमेट मंथ एंड मंथ प्रॉफिट में जाओगे। मैं तो शॉर्ट की बात कर रहा हूं, आप लोग ना कहीं मॉक टेस्ट में चेक कर सकते हो, केवल बाई करोगे तब भी स्टॉप लॉस डाल दो 25% का, दोनों साइड, जिधर कटा एक साइड का पोजीशन ओपन। तो जो शॉर्ट है वही लॉजिक है, बाई में भी पैसा मिलता है। तो अभी हम बात करें किसका, ऑप्शन सेलिंग का। तो आप क्या करो, एक टाइम निर्धारित करो, स्ट्रेटजी अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले पहले अपने सुविधा अनुसार, क्या अपने सुविधा अनुसार इससे सरल क्या बना सकता हूं ट्रेडिंग को यार, आपके लिए बताओ, इससे सरल क्या ही हो सकता है? इससे सरल तो पत्नी खाना देती ना, वो भी नहीं मिलता है। तो मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो 9:30 तय कर लो, या 10:30 तय कर लो, या 11:30 तय कर लो, या 12:30 तय कर लो, या फिर 1:30 तय कर लो, जो भी आप टाइम दिस दे, लेकिन 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद नहीं ना, इतना बजे तक तो टाइम मिल ही जाएगा ना किसी को, और इतना बजे भी टाइम नहीं मिलता तो मत करो, फिर बता दूंगा आपको पोजिशनल, ठीक है, फिर मैं पोजिशनल बता दूंगा, ठीक, अगर अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या करें आप कि कोई एक टाइम फिक्स करें। तो मैं मान लेता हूं अभी 9:30 का, ठीक है, 9:30 का मैं एक ट्रेड मान लेता हूं, कि अगर हम 9:30 में ट्रेड डाल रहे हैं स्ट्रगल, हम क्या डालते हैं 9:30 में, 9:30 में स्ट्रगल डालते हैं, कुछ लोग स्ट्रेंगल भी डालते हैं 9:30 में। जो 9:30 का ट्रेड होता है, हम लोग क्या करते हैं 25% की स्टॉप लॉस डाल देते हैं बोथ साइड, और ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है, 3 बजे पर, 3 बजे तक, 3:10 तक होल्ड करो, खत्म। बीच में आप कुछ मत करो, मैंने जितने सारे बताए हैं सब भूल जाओ, इसे याद रखो, मत याद करो उसको कि सर आप क्या बताए थे, आप तो बोले थे इतना बजे रिवर्स हो जाता है मार्केट, मार्केट तो 1:30 बजे बाद एक डायरेक्शन में रिवर्सल हो जाता है, ये हो जाता है, कुछ नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको क्या है, आपको कुछ मालूम नहीं है। जिसको बहुत कुछ पता होता है ना दोस्त, वो पैसा नहीं कमाता है, यकीन मानिए मेरी, जिसको बहुत कुछ आता है ना, बहुत सारे स्ट्रेटजी आता है, उसका डीमेट आप पूछ के देखना कि कितना कमाया, आप पूछ के देखिए कि भाई साहब आप कितना कमाए, कुछ नहीं आएगा, पता है उसका माइनस में होगा डीमेट। कम करिए लेकिन परफेक्ट करिए, इसलिए हमने क्या बना लिए, एक स्ट्रगल डाल दिए और दूसरा स्ट्रिंगल डाल दीजिए। फिर मैंने बटरफ्लाई बताए हैं, मल्टी स्ट्राइक बताए हैं, आयरन कंडोर बताए हैं, सर इससे क्या, कुछ नहीं है, भूल जाओ, आप ये मान लो कि ये सब कुछ होता ही नहीं, आपका काम है स्ट्रगल,
सुबह सुबह बनाना, पैसा कमाना है ना, आप लोग सब पैसे कमाने आए हो ना मार्केट में। जो भी ट्रेड डाल रहा होगा जिस दिन से मैंने बताए हैं, अगर लॉस हुआ होगा ना, मैं इस महीने की बात कर रहा हूं, लॉस हुआ होगा तो आप जो कहोगे सो मैं करने को तैयार हूं। लेकिन अगर मेरे फॉलो टाइम फॉलो किए होंगे तो आप बताओ लॉस हुआ है, अभी पूछूंगा ना, बताना जिन लोग ट्रेड किए बताना जरूर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रगल डाल देंगे और एक स्ट्रेंगल डाल देंगे। मतलब स्ट्रगल डालो या स्ट्रेंगल डालो, दोनों में से कोई एक ही करना। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रगल डाल रहे हो अगले दिन स्ट्रेंगल डाल दिए, नहीं, आपका काम है स्ट्रगल डालना या स्ट्रेंगल अगर स्टार्ट किया हो तो स्ट्रेंगल डालना। स्ट्रगल और स्ट्रेंगल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है जिन लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। आप पुराना लेक्चर को बराबर देखिए, जितने लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, नए ज्वाइन किए हैं, 40 लेक्चर है आज के मिला के, तो पुराना 40 लेक्चर मतलब 80 घंटा का लेक्चर मैंने आप लोगों से साथ किया है। बताओ 80 घंटा मतलब मैं आपके सामने कितना 4 दिन तो फुल टाइम बिताया हूं ओवरऑल बोलोगे तो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, स्ट्रगल डाल देंगे या फिर स्ट्रगल डाल देंगे, स्ट्रगल डाल देंगे कितना बजे, 9:30 में। और आपको बस इसका ध्यान रखना है, ये मत सोचिए कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूं, मत सोचना कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मत सोचो कि स्टॉप लॉस लग जाएगा। आपका अपना धर्म निभाना है। श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को क्या गीता ज्ञान दिए थे कि पार्थ अपना कर्म करो, फल की चिंता नहीं करना है। तो आपको ना सिर्फ अपना कर्म करना है, और आपका कर्म क्या है, ट्रेड डालना। आपका कर्म क्या है, ट्रेड डालना। परिणाम किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट तय करेगा कि प्रॉफिट आपको कितना देना है। यकीन मानिए, जब भी आप कोई एक चीज करते हो ना, जब आप कोई फोकस होकर काम करते हो ना, उसमें सफलता जरूर मिलता है। ये बहुत लोग, आप लोगों के पेरेंट्स बोले होंगे, या आप कहीं मोटिवेशन स्पीकर की बात सुनते होंगे, या बड़े बड़े जो सफल हो गए हैं उनके बात सुनते होंगे, कि जो भी काम करते हो, जो बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो, अगर आप फोकस हो के एक बिजनेस में लगे हुए हो, उतार चढ़ाव आते हैं, अल्टीमेट आप प्रॉफिट में जाओगे। आपका और मेरा मेन लक्ष्य क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। साल भर तक मैं बोल रहा हूं, साल भर आप मेरी बात को फॉलो करो दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी, दिशा दशा दोनों बदल जाए आपका। साल भर जब ये साल खत्म होगा ना, आप सब लोग प्रॉफिट में जाओगे, सबके सब प्रॉफिट में जाओगे। हो सकता है लगातार 2-3 दिन लॉस हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया है आपका 50,000 से ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होगा, यकीन मानिए मेरा। रेयरेस्ट एंड रेयर कंडीशन में आपका एक लॉट में 2 लाख कैपिटल में आपका 50,000 लॉस हो सकता है, लेकिन रिकवरी करोगे, वो जो फास्ट रिकवरी होगा आप बिलीव नहीं करो। ऐसी होता है बाजार, हमेशा बाजार लोगों को सरप्राइज देता है। बाजार की आदत क्या है, बाजार की आदत है लोगों को सरप्राइज करना। बाजार चाहता है कि लोग ना मेरे को मुंह फाड़ के अरे बाप रे क्या होगा, ऐसे बाजार चाहता ही नहीं कि लोग नॉर्मली मेरे को समझ जाए। बाजार चाहता है कि हमेशा मेरे को लोग ना मुंह फाड़ के देखते रहे, अरे क्या हो गया। ये बाजार का नेचर है, ये मार्केट का नेचर है। तो मैंने क्या बोला कि हमें सबसे पहले क्या डालना है, 9:30 का ट्रेड डालना है। अगर आप 9:30 में अवेलेबल नहीं हो, अगर आप 9:30 में अवेलेबल नहीं हो, तो आप क्या करो, आप 10:30 को ट्रेड डालो और सेम स्ट्रगल डालना है। क्या करना है, सेम स्ट्रगल डाल देना है, सेम स्टॉप लॉस डाल देना है अगर आप 9:30 में अवेलेबल नहीं हो तो। लेकिन जो भी टाइम करो, एक ही टाइम करना, अपने टाइम के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, चेंज मत करना। ऐसा नहीं कि आज मैं चेंज कर देता हूं लॉस हो गया प्रॉफिट मिल गया, कल मैं टाइम चेंज कर देता हूं, या पहले निकल गया बाद में निकल, ऐसा नहीं करना। अगर आप 10 बजे अवेलेबल नहीं हो तो 11 बजे तो अवेलेबल हो गए ना, 11:30 में अवेलेबल हो गए, 11:30 में बना देना। अगर 11:30 में अवेलेबल नहीं हो तो 12:30 में बना देना, और 12:30 में अवेलेबल नहीं हो तो 1:30 में बना देना। इसके बाद नहीं बनाना है, इसके बाद आपको नहीं बनाना, फिर खत्म। तो क्या करेंगे, यहां पर
स्टडल डाल देंगे या सिंगल डाल देंगे। लाइक बटन दबा दो भाई लोग, बड़े मेहनत से यार आप लोग ये लेक्चर कर रहे हो, बताओ भाई लाइक नहीं कर रहे। ठीक है भाई, समझ गए। ओके आगे बढ़ो। ये क्या हुआ, किसके लिए? जॉब प्रोफेशनल के लिए हुआ। अब आप इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? सारी चीजें भूल गए आप, ये समझ लो सब कुछ वाइंड अप हो गया, खत्म, सब खत्म। क्या पढ़े थे नहीं याद है मेरे को, ट्रेडिंग करना है तो मेरे जैसे सिखाना है तो सब याद रखना पड़ेगा आपको, ट्रेडिंग करना है, बाकी सारी चीज भूल गए, ठीक है? अगर आप जॉब वाले हो तो, क्योंकि आपके अलावा आपके पास और ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं। कैपिटल कितना लगेगा? मैक्सिमम कैपिटल 2 लाख लगेगा भाई साहब। 2 लाख कैपिटल में आपका महीना में कितना मिल सकता है? 6 हजार प्रॉफिट मिल सकता है, 7 हजार तक जा सकता है, बहुत अच्छा मंथ रहा तो 10 हजार तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और इससे ज्यादा चले गया तो अगले महीना चला जाएगा प्रॉफिट आपका। 2 लाख कैपिटल ये बहुत ज्यादा है, 6 हजार 5 हजार ब्रोकरेज वगैरह काट के आपके पास आ जाएगा, इतनी तो चाहिए, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? 3% 4% इससे ज्यादा मिलता नहीं। एमटीएस ही बताऊंगा, डोंट वरी, एमटीएस ही बताऊंगा, ठीक है? समझ गया आप लोग? बस एक काम करिए, 9:30 के ट्रेड, ये हुआ जॉब प्रोफेशनल। अब जो पार्ट टाइम वाले हैं, आइए पार्ट टाइम वाले कौन कौन है, पार्ट टाइम ट्रेडर कौन कौन है, अभी हैंड राइज करो तो जरा मुझे बताओ कमेंट करके, पार्ट टाइम ट्रेडर। राहुल द्विवेदी, आप तो जॉब वाले हो ना, शौकत जी, रोमित सिंह, मनदीप, राजीव कुमार, सतपाल सिंह, धनंजय गोस्वामी, अच्छा आप लोग पार्ट टाइम ट्रेडर हो, तो पार्ट टाइम ट्रेडर गुड। अतुल कृष्णा, जॉब वालों के लिए तो बता दिया मैं, है ना? पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए, अब भाई पार्ट टाइम क्या होता है, कोई डेली कर सकता है, ठीक है? कोई 2 दिन में कर सकता है, 2 दिन में 1 दिन कर सकता है, ठीक है? कोई वीकली पोजिशन कर सकता है। तो जो पार्ट टाइम ट्रेडर है ना, आपके पास एवरीडे टाइम नहीं है। मैं पार्ट टाइम का मतलब क्या बता रहा हूं, कि जिनके पास एवरीडे टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए, जिनके पास एवरीडे टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो आपके लिए ना एक काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं दोस्त, अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो आपको ना ट्रेंड को समझना जरूरी है, ट्रेंड समझना जरूरी है अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो। एक डायरेक्शनल समझना जरूरी है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, मार्केट का डायरेक्शन कहां है। ट्रेंड को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, डाउ थ्योरी समझना पड़ता है। डाउ थ्योरी का क्या, प्राइस एक्शन, डबल टॉप, डबल बॉटम, मल्टीपल टॉप, मल्टीपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ठीक है? या प्राइस एक्शन पैटर्न में रिवर्सल पैटर्न हमें समझना पड़ता है, एमसीएक्स में बाद में बताएंगे एमसीएक्स के बारे में, ठीक है? ओके, तो आपको क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो। और पार्ट टाइम ट्रेडर हैं आप, केवल स्प्रेड करिए, केवल स्प्रेड करिए। स्प्रेड में क्या होगा, जैसे मैं बनाता हूं, बुल स्प्रेड होगा आपका या फिर बियर स्प्रेड हो जाएगा, बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड में कैसे बनते हैं आप लोगों को पता है, एक कॉल बाई करना है, एक कॉल सेल करना है। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 1:3 मिनिमम होगा रिस्क रिवॉर्ड। और क्या करें, आज ट्रेड डालें, जहां ट्रेड खत्म हो रहा है ट्रेड ब्लू, ट्रेड क्लोज करो, जितना प्रॉफिट लॉस मिलेगा मार्केट मार्केट के ऊपर छोड़ दो। ट्रेड बनाना है कब, जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जनरली कब बनता है, फ्राइडे या मंडे, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी 2 दिन में हमें ट्रेंड मिल जाता है। कब तक के लिए, एक्सपायरी तक के लिए। कब तक के लिए ट्रेड बनाएंगे,
एक्सपायरी तक के लिए ट्रेड बनाएंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, फ्राइडे या मंडे ऑलमोस्ट ट्रेड या ट्रेंड हमें समझ में आ जाता है कि इधर मार्केट का मूवमेंट हो रहा है। एक्सपायरी के बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, जनरली ऐसा समझ मानते हैं अपन। कई बार बीच में भी ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, तो समझ लो उस मंथ में आपका, सॉरी उस वीक में आपका लॉस लग जाएगा। तो जो आप ट्रेड बनाएंगे यहां पर, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 1:3। लेकिन जो वन है, जो लॉस है, मतलब लॉस आपका 5,000 और प्रॉफिट आपका 15,000, इस टाइप का ट्रेड बनेगा। इस टाइप का ट्रेड आपके लिए बनेगा। लेकिन जो ट्रेड बनाएंगे वो 5,000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, 5,000 6,000 मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 5 से 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक फिक्स लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट वाला ट्रेड है, आपको कोई इसमें फियर नहीं रहेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। आपको यह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि डाउ क्या कर रहा है, आपको यह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमारे एसजेक्स निफ्टी क्या हो रहा है, आपको यह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मार्केट किधर जा रहा है। आपने एक ट्रेड डाला करेंट ट्रेंड का और उस डायरेक्शन में उस वीक में आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर थोड़ा लॉस मिलेगा। इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होगा। हाउ टू मार्केट रन नॉन स्टॉप इन 6 आवर अ डे मैन्युअली, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस, प्लीज शेयर द लॉजिक। मैं समझा नहीं आपको क्वेश्चन, मैनुअली इट्स नॉट पॉसिबल। समझ सकूं ऐसे लिखो तो मैं युवराज जी तो आपको आंसर कर सकूं, या फिर आप मुझसे पूछ लेना बाद में जब यूट्यूब में लाइव, सॉरी अपन इसमें लाइव आएंगे तब, क्या कहते हैं जूम में, ठीक है? आप पूछ लीजिएगा। तो क्या समझे हम लोग, आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ट्रेंड, और आपको ट्रेड कब बनाना पड़ेगा, मोस्टली फ्राइडे या मंडे। रिस्क रिवॉर्ड क्या रखेंगे, सॉरी ट्रेड क्या बनाएंगे, कोई स्प्रेड, बियर स्प्रेड या फिर बुल स्प्रेड, और रिस्क रिवॉर्ड क्या रखेंगे, 1:3। लेकिन जो लॉस का साइज रहेगा वो 5,000 से ज्यादा का लॉस नहीं रहेगा, 5,000 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। अगर एक ट्रेंड आपका ट्यूजडे या वेंसडे को मिल रहा है तो ये लॉस क्या हो जाएगा, 2,000 के आसपास हो जाएगा और प्रॉफिट ही रहेगा, तो और अच्छा रहेगा आपके। फिर आपके लिए 2 दिन का ट्रेड है, ये पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए। समझ गए, जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, ट्रेंड समझने के लिए हो सकता है कि आप नए हैं अभी ट्रेंड को नहीं समझ पाएंगे, तो आपके लिए क्या हो सकता है कि मेरा डेली एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा अपना भी अंडरस्टैंडिंग रहता ही है आपका, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना देना। या आप और किसी को फॉलो करते होंगे जो ट्रेंड ट्रेडर हैं, उनका वीडियो देख सकते हो, जिसको भी मन करते हैं उसको फॉलो करो। आपको ये पता होना चाहिए करना क्या है, जो मर्जी जहां से आपको समझ में आता है कि ट्रेंड कंटिन्यू किधर होगा, आप उस डायरेक्शन में ट्रेंड बनाओगे, बस कंफ्यूज नहीं होना। और जब समझ में नहीं आए, जैसे आज का मार्केट था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कल के लिए, तो मैंने ट्रेड छोड़ दिया, मैंने ट्रेड बनाया ही नहीं। तो जब ट्रेंड समझ नहीं आए ट्रेड को छोड़ दो, और जब ट्रेंड समझ में आ रहा है तो उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड बना लो और लॉस के साथ खड़े रहो बाजार में।
ठीक है, हो गया। चलिए ये हो गया पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए। पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए एक और अच्छा ट्रेड आता है, कब? जैसे अभी विक्स बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, ये विक्स चाहिए मुझे। इस फ्राइडे को ना आपको कम से कम 700-800 रुपया मिलेगा एक एक लॉट में। तो जो पार्ट टाइम ट्रेडर हैं आपके लिए तीन ट्रेड, फ्राइडे मॉर्निंग मतलब 9:15 वाला ट्रेड, फिर फ्राइडे इवनिंग 2:45 वाला ट्रेड, फिर थर्सडे इवनिंग 2:45 वाला ट्रेड। ये ट्रेड बना दीजिए बस। आपको सप्ताह में दो तीन तीन ट्रेड करना है, खत्म काम, और कुछ नहीं करना है। फुल टाइम वालों के लिए अभी आ रहा हूं, फुल टाइम वालों के लिए अभी आता हूं, डोंट वरी। इतना ट्रेड बना दो आपका काम खत्म, एकदम फंडा क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। जो जॉब वाले हैं आप फ्राइडे का ट्रेड मत करो, कर सकते हो तो, क्योंकि 10 मिनट का ट्रेड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा डायरेक्टली आप 9:30 का ट्रेड करो। जिंदगी में कंफ्यूजन रहेगा कुछ नहीं मिलेगा, विदाउट कंफ्यूजन मार्केट में आना है। आपका एकदम व्यू क्लियर होना है, मुझे क्या ट्रेड डालना है, मुझे ए ट्रेड डालना है, तब आपको पैसा मिलेगा। आपका विजन ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए आपको। ये उत्तन बाबू क्यों रो रहा है, इसको क्या हो गया? चलिए, एक बंदा कमेंट किया है कि सर फिक्स लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट में नो लॉस हो सकता है क्या? अगर आप बिजनेस करते हैं और ये समझते हैं कि मुझे लॉस ना हो, तो मैं कहूंगा कि वो बिजनेस को आप छोड़ दो तत्काल, ये अच्छा है। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो पार्ट टाइम ट्रेडर हो गया खत्म, जॉब वालों के लिए ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्ट टाइम वालों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ट्रेड भी करोगे ना तो भी आपको महीना में 2 से 3% मिल जाएगा, 2 से 3% मिल जाएगा, तो भी मैं कह रहा हूं 2-3% आपका कैपिटल हो जाएगा। फ्राइडे के दिन यहां पर 600-700 रुपये मिल सकता है, ठीक है, यहां पर आपको 300 से 400 रुपये मिल सकता है, यहां पर आपको 500 से 600 रुपये मिल सकता है। यहां पर एक वीक की बात है, एक वीक में कितना, 600, और मान लो यहां पर 400, 1000, यहां पर 1500, एक वीक में 1500, तो महीने में 4 वीक मतलब 4500, ठीक है, 1000 रुपये, 1200 रुपया आपका ब्रोकेज, 3500 रुपये बचेगा आपका, 3500, 4000 रुपये बचेगा, इससे ज्यादा नहीं। किसी वीक में 5 है, हो सकता है एक आध बनना मिले आपको। आज मैंने ऑब्स्ट्रा पर देखा, बाई करने के बाद ऊपर गया, जाने बाद सेल पोजीशन बनाने में। अरे भाई, तो जैसे मैं करता हूँ ना, आप समझे, चलो आप ना बेवजह का दिमाग सही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? टेक स्टॉक्स। तुम्हारा दिमाग सही नहीं, यहाँ पर ध्यान नहीं बेटा, तुम मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना भी डिस्टर्ब हो रहे हो। और क्या नाम है? प्रवीण। या तो यहाँ ध्यान दो या फिर कमेंट करो। बाद में सवाल कर लेना, अभी कोई फालतू बात नहीं करो, इधर कमेंट वमेंट मत मारते रहो। चलिए आगे बढ़े, डिस्टर्ब करते हो आप लोग, जो सही बता रहे हो उसको ध्यान ही देना है। तो क्या हो गया, आपका महीना में कितने मिल जाएगा, इसमें 3 से 4% मिल जाएगा। पार्ट टाइम हो, आपको पार्ट टाइम जैसे ही पैसा मिलेगा, पार्ट टाइम जॉब में कैसे पैसा मिलता है, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आइए फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए। फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए फुल टाइम ट्रेडिंग ना बहुत मुश्किल वाला काम है, फुल टाइम ट्रेडिंग ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है। पूछो क्यों? डीमेट में पैसा है, मार्केट वोलेटाइल है, अगर आपका साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं हुआ, मैं पक्का बता रहा हूं, लॉस लेके जाएगा, 100% लॉस लेके जाएगा आपका, जैसे आज वाला मार्केट है। तो फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए ना
सारे पैरामीटर आपको फुलफिल करना चाहिए। एक तो वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल पर्याप्त होना चाहिए फुल टाइम ट्रेडर हो तो। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर हो ना, 2 लाख और 3 लाख कैपिटल में आप ना घर नहीं चला पाओगे फुल टाइम ट्रेडर हो तो। सबसे पहले अगर फुल टाइम ट्रेडर हैं, दिन भर आपको मार्केट में है, तो कम से कम 4-5 लाख रुपया कैपिटल रखो, नहीं तो घर नहीं चलेगा, घर कैसे चलाओगे। या आपके पास कोई सोर्स हो, रेंटल सोर्स हो, रेंटल इनकम का सोर्स हो आपके पास, तभी फुल टाइम यहां पर सर्वाइव किया जा सकता है। फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए 2 लाख 3 लाख 3 लाख रुपए में अगर कोई कहेगा कि मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कैपिटल चाहिए ज्यादा, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए तो मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग बताए हैं। फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए हम फ्राइडे का भी ट्रेड डाल सकते हैं, मतलब डालते हैं। जैसे मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, मैं फ्राइडे का ट्रेड डाल दिया, फ्राइडे इवनिंग का ट्रेड डाल दिया, मैं यहां पर पोजिशनल ट्रेड डाल लिया, स्प्रेड वाला ट्रेड डाल दिया, मैं 9:30 का स्ट्रगल बना देता हूं। 9:30 का स्ट्रगल तो सबके लिए कंपलसरी है। 9:30 का ट्रेडर तो 9:30 का ट्रेडिंग तो सबके लिए कंपलसरी ही होना चाहिए। ठीक है, फिर हम एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड डाल लेते हैं। एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड डाल दीजिए, जैसे एक्सपायरी स्पेशल में हम बटरफ्लाई वगैरह डाल देते हैं एक्सपायरी के दिन, या फिर आयरन कंडोर ऐसा ट्रेड डाल देते हैं, ओवरनाइट का पोजीशन बनाते हैं, दिन में मंथली का 100-100 रुपया का प्रीमियम भेज दिया करो शांति से, जब मार्केट साइडवेज दिखता है तो। मैं करता हूं दिन में सारी चीजें, सीरियल वाइज बताऊं, ध्यान दो जिनके पास जो फुल टाइम ट्रेडर है, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर हो आपको सब करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए क्या है, सबसे पहले फ्राइडे वाले 9:30 का ट्रेड डालो, मतलब आपके पास ट्रेड कितना है आप देखो, 9:15 वाला ट्रेड, फिर आपको 2:45 वाला ट्रेड, फिर आ गया फ्राइडे के दिन ही आपके लिए कि स्प्रेड वाला ट्रेड बन जाता है, डायरेक्शनल ट्रेड बन जाता है आपके लिए, जिधर मार्केट मूव कर रहा है उधर का मूवमेंट बना दिए। अब वो फ्राइडे को भी हो सकता है, वो मंडे को भी हो सकता है, राइट। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मंडे के दिन में अगर फ्राइडे के दिन स्प्रेड नहीं बना है, फ्राइडे के दिन स्प्रेड नहीं बना है, तो मंडे के दिन बनाते हैं। अदरवाइज 9:30 का ट्रेड डालते हैं यहां पर हम लोग मंडे के दिन। फिर हम क्या ट्रेड डालते हैं, ट्यूजडे को अगर ये स्प्रेड हमारा फ्राइडे नहीं बना है या मंडे नहीं बना है, तो ट्यूजडे को बन जाएगा। अच्छा, मंडे के दिन एक ट्रेड और बनता है बहुत बढ़िया, 100-100 रुपया का प्रीमियम मंथली वाला बेचा करो, 100-100 रुपया का प्रीमियम मंथली वाला बेचा करो, दिन में इसमें 4-5 रुपया दोनों साइड का डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैं 1000-1000 क्वांटिटी करता हूँ, 1500-1500 क्वांटिटी करता हूँ, तो मुझे बहुत बढ़िया 15-16 हजार रुपया मिल जाता है फोकट फंड का दिन में। एवरीडे ट्रेड डालो खत्म करो, ट्रेड डालो खत्म करो, नहीं मिल रहा है बंद कर दो, लॉस ले लो छोटा बड़ा, थोड़ा विक्स का ध्यान रखना पड़ता है फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए। और जो आपने सीखा है लर्निंग, वो सब कुछ आपको बिहाइंड द माइंड ध्यान में रखना पड़ेगा फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए। सब कुछ आपका माइंड बाजार में रहना चाहिए, सब कुछ आपको करेंट में बाजार को देखना चाहिए क्या हो रहा है बाजार में। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब ये है। तो आप 9:30 का ट्रेड तो डालेंगे ही डालेंगे, ठीक, ऐसा। अच्छा, फ्राइडे के दिन में 9:30 का ट्रेड बनेगा ना, फ्राइडे के दिन में 9:30 का ट्रेड बनेगा, 9:30 का स्ट्रगल या सिंगल जो भी चॉइस करो, एक ही चॉइस करो, मैं स्ट्रगल चॉइस करता हूं, तो मैं स्ट्रगल सबको बोलता हूं। तो फ्राइडे के लिए 9:15, 2:45 एंड 9:30 का ट्रेड, फ्राइडे इवनिंग के लिए, सॉरी फ्राइडे में फिर क्या ट्रेड बनता है हमारा, कोई इसी समय डायरेक्शन बन जाता है, डायरेक्शन बना लीजिए। मंडे के दिन अगर फ्राइडे का इस डायरेक्शन ट्रेड नहीं बना है, तो मंडे को प्रीफर करते हैं, या फिर मंडे को 9:30 का ट्रेड डालते ही है, और मंडे को एक ट्रेड और डालते हैं क्या, अगर कैपिटल है, कैपिटल बाकी है आपका, तो फिर मंथली वाला भी 100-100 रुपये वाला प्रीमियम बेच देते हैं, 100 रुपया 75 रुपया वाला प्रीमियम बेचते हैं, प्रीफर करते हैं बेचने के लिए,
वो लाइव में मैं आपको डिटेल बता दूंगा कैसे करते हैं, कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट, ट्यूजडे के दिन अगेन 9:30 का ट्रेड, ट्यूजडे के दिन अगेन 9:30 का ट्रेड, और ये 100 रुपया वाला प्रीमियम इस दिन भी बनाओ। ये तो ट्रेड एवरी डे का है, मंथली वाला 9:30 का ट्रेड बना लो, बैठे रहो, फंड में फंड बाकी है आपके पास, कैपिटल बाकी है, मंथली वाला 75 से 100 के बीच का प्रीमियम बेचते रहो। और अगर हमारा मंडे और ट्यूजडे के दिन नहीं बना है स्प्रेड, तो मंडे सॉरी फ्राइडे ट्यूजडे के सॉरी यार फ्राइडे और मंडे के दिन अगर हमारा स्प्रेड नहीं बना है, तो साइड ट्यूजडे के दिन मार्केट डायरेक्शनल हो रहा है तो ट्यूजडे को बना देंगे। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड हमारा और भी बहुत फेवरेबल हो जाता है, 2000 रिस्क के सामने 12000 14000 का प्रॉफिट बनता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, वेंसडे आ गया, वेंसडे का 9:30 का ट्रेड, फिर 100 रुपये का प्रीमियम। इसमें हमें कभी अगर ओवरनाइट में लेके जाना पड़ा 100 रुपये का प्रीमियम मार्केट देख के, तो भी लेके जाते हैं, ओवरनाइट में भी ट्रेड बना लेते हैं। हमें इस ट्रेडर अगर मान लो कुछ चीजें मार्केट बहुत ही नॉर्मल लगता है, बहुत ही सेफ लगता है, तो फिर आप कोई भी स्ट्रेंगल सॉरी माफ करना स्ट्रेंगल ओवरनाइट में लेके चले जाओ, रेशियो जैसा ट्रेड ले लो, आयरन कंट्रोल जैसा ट्रेड ले लो, वेडनेसडे की आयरन आयरन कंट्रोल जैसा ट्रेड बहुत बढ़िया बनता है एक्सपायरी के लिए। अब फिर आ गए हम लोग कब, एक्सपायरी के दिन, मतलब थर्सडे के दिन। थर्सडे को आ गए, सबसे पहले 9:30 करेंट एक्सपायरी का ट्रेड, 9:30 करेंट एक्सपायरी का ट्रेड। अगर 9:30 कट गया, 9:30 कट गया, तो 10:30 या 11:30 में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्रगल। फिर इस दिन मल्टी स्ट्राइक भी बनता है, मल्टी स्ट्राइक का ट्रेड डाल देते हैं, बटरफ्लाई ट्रेड डाल देते हैं, या 245 का एक 75 100 रुपये वाला प्रीमियम सेल कर देते हैं। एक्सपायरी के दिन मंथली वाला भी 100 रुपये वाला प्रीमियम सेल कर दो, शांति से पैसा मिलता है और बहुत बढ़िया पैसा मिलता है। बस ये हुआ आप लोगों के लिए पार्ट टाइम ट्रेडर, जॉब प्रोफेशनल। हाँ, ट्यूजडे को फिनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है यार, इसमें ट्यूजडे को एक फिनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है। भूल गया था मैं, ठीक है, ट्यूजडे को फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उस दिन भी ए वाला ट्रेड बना सकते हैं, ऐसा जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में बनाते हैं उस टाइप का। वो सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताए हुए हैं, सेम चीजें रिपीट हुए हैं, बस आज आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। तो जब आप कभी लाइव में आते हो तो बिना कंफ्यूजन का लाइव में आना, ठीक है। लाइव में लोगों को लगता है मैं ट्रेड करवाता हूं, मैं ट्रेड नहीं करवाता हूं, मैं जो ट्रेड करता हूं उसमें मैं दिखाता हूं, बस जो मैं ट्रेड डालता हूं, जो मैं ट्रेड डाल रहा हूं या प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है वो स्क्रीन में चलते रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है लाइव में। लाइव में ऐसा नहीं कि मैं लोगों को ट्रेड बताता हूं, लाइव में नहीं बताता, लाइव में मैं ये बोलता हूं कि स्ट्रगल बन रहा है स्ट्रगल बना लो, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो, स्ट्रिंगल बन रहा है 100 रुपए की स्ट्रिंगल बन रहा है 100 रुपए की स्ट्रिंगल बेचो, उस समय नहीं बताता कि क्या करना है। और जो पूछते हो गाली भी खाते हैं, मतलब डांट खाते हैं, सर कितना स्टॉप लॉस डालना है, लाइव आया ही क्यों, इसीलिए तो 45 दिन आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं कि वहां पर परेशान न करो लाइव में, और अपने से भी ट्रेड कर सकते हो, जरूरी नहीं लाइव में आने का। तो ये हुआ आप सबके लिए फुल टाइम पार्ट टाइम और जॉब प्रोफेशनल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कि क्या स्ट्रेटजी हम अपने लिए यूज करें। तो मुझे नहीं लगता है कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों का,
कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो, बहुत मजा आएगा। क्या बोला? विच इज बेटर फॉर 9:30 स्टडल, निफ्टी और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा पैसा देता है तो मैं प्रीफर करता हूँ बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी ऐसा नहीं कि नहीं देता है, निफ्टी भी पैसा देता है। मैं प्रीफर करता हूँ बैंक निफ्टी, आप जिसको करना है करो, मैं प्रीफर करता हूँ बैंक निफ्टी। 320 का, अरे आप 320 का बीटीएसटी करोगे नहीं करोगे? चलो अब किसी कोई सवाल है जिसको समझ में नहीं आया है, यहां से वीडियो रिपीट करके देख लेना जो बाद में ज्वाइन किए, ठीक है? चलिए तो किसी कोई सवाल है हैंड राइज करो। श्याम सुंदर बोलो, श्याम सुंदर जी फटाफट बोलिए यार, लाइव में बहुत लोग होते हैं लेकिन पूछते कम लोग। नमस्ते सर जी। नमस्कार। सर बोलो। सर मैं जो आपका नेक्स्ट बैच जो चलेगा ना उसमें मैं रहना चाहता हूँ फिर से। सब ज्वाइन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल करो आज का। क्योंकि सर मेरे पास कैपिटल का प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी सर मैं इसके लिए आपको बोल रहा था, कैपिटल का प्रॉब्लम है। तो अच्छा, दिक्कत क्या है भाई, नेक्स्ट बैच शुरू होगा तो नेक्स्ट बैच ज्वाइन हो जाना, हमको क्या प्रॉब्लम। बोलो सचिन जी। सर गुड इवनिंग। सर एक्चुअली अभी आपने जो बताया था मंथली का 100-100 वाला जो ट्रेड डालना है उसका टाइमिंग क्या प्रेफरेबल है? कभी भी डालते हैं सर उसको। अच्छा उसका कोई फुल टाइम ट्रेडर है ना? सर फिर से बोलिए सर। फुल टाइम ट्रेडर है ना? हाँ, फुल टाइम। कभी भी ट्रेड डालो सर, जब मार्केट दिखता है रुकते हुए 100-100 रुपया का प्रीमियम बेचते रहो, जब आपको दिखे एक रेंज बन जाए, ठीक है, हाई लो ऐसे रेंज बन जाए, मार्केट इधर ट्रेड कर रहा है इधर और इधर का बेच दो, खत्म तमाम। अच्छा, आपको उसे पैसा मिल ही जाएगा। वो बहुत ही कम ऐसा कुछ घटनाएं हो जाती हैं या मार्केट में स्पाइक वगैरह आ जाते हैं उसी दिन नहीं मिलता, बट मोर देन आपको 20 में 12 डेज 13 डेज आपको पैसा देके जाएगा और जो लॉस जाएगा वो बहुत छोटा जाता है। तो मैं बहुत प्रिफर करता हूँ उसको। और एक बात बताऊं, जैसे मैं एक दिन और लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि एक्चुअली में बड़ा पैसा एक दो ट्रेड में ही आता है, साल भर में 10 ट्रेड मिलता है बड़ा पैसा, बाकी तो जीवन यापन है। तो जीवन यापन के लिए मैं उधर ही जाता हूँ, इधर नहीं रहता, वो मंथली चले जाता हूँ उधर ट्रेड मारते रहता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल तो रोज का काम हो करना है अपने। करेक्ट करेक्ट। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो स्ट्रगल डालता हूँ, अभी मैंने थोड़ा 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ जो स्ट्रगल डाल रहे हैं 9:30 का, उसमें अगर वीक्स लो है तो एक लेवल अंदर जाना है, मैंने ITM सेल करना है, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है ATM पे जो स्टॉप लॉस कट जाएगा ना तो ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा उसमें, तो एक लेवल अंदर जाने से आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्रीमियम डीके। हां कोई बात नहीं, कर सकते मैं, करते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके ठीक, उससे जाने अच्छा। मैं तो 200-300 चले जाता हूं बैंक निफ्टी में, स्ट्रेंगल ही डालना है तो 300 चले जाओ, ऐसे लगेगा दोनों साइड लेगा, मुझे डीके चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ट्रेंडिंग। एक तो स्किल डेवलपमेंट पे, जैसे कोई भी अपन काम करते हैं तो उसमें स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो सभी बताते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो उसमें स्किल डेवलपमेंट, तो अपने मार्केट का अगर काम करेंगे तो इसमें स्किल डेवलपमेंट पर अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? अपने आप को कैसे निखार रहे हैं, इस चीज़ को कैसे पता लगाएं कि हम बेस्ट हैं? कोई भी एक चीज़ करिए, मैं ना पहले बहुत कुछ करता था, आप लोगों को शायद बाद में मुझे फॉलो किए होंगे, मैंने पहले बहुत कुछ करता था, इक्विटी भी ट्रेड करता था, फ्यूचर भी ट्रेड करता था, कॉल भी बाई कराता था, खुद भी करता था, और पुट भी सेल, मतलब उसी समय ऑप्शन भी सेल कर रहे हैं, मैं 20-20 रुपए का ऑप्शन सेल करता था, मैं बहुत सारा चीज करता था, और मैं उसका परिणाम देखता हूँ ना तो कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलता है, वो बहुत दिनों बाद पता चलता है कि नहीं यार एक्चुअली में खुद को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं एक्चुअली क्या मुझे पसंद है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वो मुझे बहुत दिनों बाद पता चला ना कि जो मेरा स्किल है, जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं मार्केट को समझता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये जो बड़ा ट्रेंड आता है ना वो बड़ा ट्रेंड मुझसे अक्सर छूटता था,
जबकि मैं ट्रेंडिंग ट्रेड डालना मुझे पसंद है, मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। मतलब बड़ा प्रॉफिट का मतलब कि भाई मैं लॉस रखता हूँ 1 लाख 1.5 लाख रुपए लॉस रखता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट भी सोचता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए लॉस रखा हूँ, 2 लाख 2.5 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए ऐसा। तो मैं फोकस किया बाद में कि नहीं कोई भी एक काम करो। तो लगभग जब कोविड के बाद जब हुआ तो मतलब मैं शुरुआत किया एक एक लॉट से स्टडल, मैंने स्टार्टिंग ही शुरू किया स्टडल से, एक एक लॉट दो दो लॉट, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, आई प्रैक्टिस होता गया, तो फिर मैं उसको क्वांटिटी इंक्रीज करता गया। और लगभग मैं 1.5 साल केवल स्टडल किया हूँ, ओनली स्टडल। तो कभी बुलिश स्टडल बना दिया रिवर्सल में, कभी कंटिन्यू में बेरिश स्टडल बना दिया ऐसा। और ये जो पोजिशनल ट्रेड है तो मैं लास्ट जनवरी से शुरू किया हूँ, जब से आपका क्लास शुरू हुआ है, आप लोगों का जब से क्लास शुरू है तब से मैंने पोजिशनल स्प्रेड शुरू किया है, और स्प्रेड का अभी तक का अनुभव शानदार है, अच्छा है। बीच में गया भी, मतलब फरवरी में पूरा प्रॉफिट मेरा वाइंड अप हो गया, मार्च में प्रॉफिट फिर से वापस हो गया ऐसा है। तो स्टार्टिंग में जो भी आप करोगे उसमें पहले लॉस होता है, अभी तक का अनुभव मेरा ऐसा है, स्टार्टिंग में शुरुआत में लॉस होता है। मैं जनवरी फरवरी दोनों महीना मेरा अच्छा नहीं था, मार्च अभी बहुत अच्छा हुआ है, मार्च का दोनों ट्रेड 1 6 लाख रुपए वाला मिला, 1 4 लाख रुपए मिला, तो वापस फिर आ गया मैं अपने पोजीशन में ऐसा है। तो मैं बोलूंगा कि आप कोई भी एक काम करो, कोई भी एक चीज करो उसमें फोकस करो। ट्रेंड पहचानते हो तो आपको प्रॉफिट का साइज बड़ा हो जाएगा, ट्रेंड अगर आप नहीं पहचानते हो तो प्रॉफिट का साइज छोटा हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक चीज में फोकस करिए बस, केवल आप एक ट्रेड डालिए। मैं बता रहा हूं जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, जो एक ही काम कर रहा है वो पैसा कमा रहा है, जो बहुत सारा काम कर रहा है, कमोडिटी भी देख लिए रात को 11 बजे, गोल्ड भी देख रहा है ठीक है, फिर नेचुरल गैस भी देख रहा है, बिटकॉइन भी देख रहा है, वो उसको देख लेना डीमैट उसका माइनस में होगा। जी आपका अगर मान लो कि कैपिटल कम है, जैसे आपने बताया था ना कैपिटल कम है, सर 3 लाख 2 लाख जो भी आपके पास कैपिटल है, एक ट्रेड डालो बस, और आप फिक्स करो कि मेरा लॉस होगा, 50,000 ज्यादा आपका ड्रॉडाउन होगा नहीं, और 1 लॉट से ज्यादा बढ़ाना नहीं बस। आज आप लोगों ने देखा ना मेरा 30,000 का प्रॉफिट 4,000 में बुक हुआ, तो मेरी जैसे गलती आपसे थोड़ी होगा, आपके पास मल्टीपल डीमैट थोड़ी है ना। तो ऐसा है ठीक है, तो वो मेरे जैसे जो गलती होता है वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रेड भी करा रहा हूँ, ट्रेड कर भी रहा हूँ, दो दो तीन तीन डीमैट देख भी रहा हूँ। तो जितने लोग आज लाइव में थे उनको बता दूं कि जहां मैंने सबको बुक कराए अपना बुक करना भूल गया हाँ सर, वो डिस्टर्ब हो गया था बात करने के चक्कर में, एक बंदा इसका सवाल कर दे वहां पर, सबको बुक कराया मैं, इवन टेलीग्राम में बुक कराया, और अपना ही बुक करना भूल गया, लो बताओ तो होता है ऐसी। अच्छा सर, दूसरा जो स्टॉक लेते हैं तो उसमें सर्च करते हैं ना अपना स्टॉक मत का करो, बेस्ट तुम स्टॉक। तो इस उधर जाओ ही मत, स्टॉक तो देखो ही मत, तुम एक ही काम करो अभी, केवल स्टडल में फोकस करो, बाकी पूछो ही मत, सवाल ही मत करो, आप केवल स्टडल करो, एकदम फोकस्ड रहो, कसम खा लो स्टडल बनाने, बाकी सुनना भी नहीं, मैं भी बोलूँ तो मत सुनो, स्टडल बनाओ। ठीक बाकी अगर 50,000 कैपिटल बचता है तो 50,000 में तो हो जाता है ना ट्रेंडिंग ट्रेड जी बस। सर, तो मान लो कि एक ट्रेड खराब हो गया, 5,000 सपोज करो कि लॉस हो गया वीक में, तो 5,000 तो महीना में कमा ही लोगे ना, वो कवर हो जाएगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ज्यादा सवाल मत करिए, केवल अपने काम की चीजें पूछिए, वो आपको बहुत काम है। चलिए सुमन जी बोलो। नमस्कार सर, नमस्कार। एक्चुअली मैं ऑप्शन बायर में काम कर रहा हूँ, हाँ और आप के साथ तो ये मेरा सेकंड ये क्लास है, हाँ हाँ कल आप तो वही पेड़ में मैं भी थे बताई ना। थी, खोज के लाई थी आपको, अच्छा उसके बाद जुड़े हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए इसमें से ये फियर और कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी हो रही है, एक्चुअली सुमन ना मैं सही बोलूं आपको तो, क्योंकि बाइंग तो नहीं करता हूं है ना, तो मैं ना आप सही गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको, क्योंकि क्योंकि जो बाइंग का साइकोलॉजी है ना वो मेरे पास नहीं है, तो मैं ना सही गाइड आपको नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि जो बढ़िया बायर हैं आप उनसे बात करो या उनका लॉजिक को फॉलो करो, शायद मैं उतना बेहतर आपको नहीं बता पाऊंगा जितना आपको चाहिए, जिस लेवल की जानकारी चाहिए। अधूरा ज्ञान बांटना ठीक बात नहीं है ऐसा मुझे लगता है। नहीं, लेकिन सर आपका जो डायरेक्शन होता है ना वो जब तो हमको मैंने दो तीन एक्चुअली अगर आप अच्छा देखोगे ना जो स्प्रेड है वो बाइंग का ही ट्रेड तो है स्प्रेड, जी लेकिन मैं उसे किधर करता हूँ, मैं शॉर्ट की तरफ करता हूँ। जी तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो, जैसे मैं बनाता हूँ क्या कि भाई एक कॉल शॉर्ट किया और एक कॉल बाई किया,
आप क्या करो, एक पुट बाई करो, एक पुट शॉर्ट करो, आपका रिस्क 5,000 और आपका प्रॉफिट 15,000 12,000, जी तो ऐसा कर लो। लेकिन अगर आप इस स्प्रेड के अकॉर्डिंग पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। जी केवल ओनली बाइंग शायद मैं आपको उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। स्प्रेड बना सकते हो मेरे साथ अगर है तो, स्प्रेड में भी वही पैसा मिलता है। और चूंकि भाई ऑप्शन बाइंग है, एवरीडे पोजिशन क्लोज करना है, एवरीडे पोजिशन बनाना है ना, उसके लिए जो नॉइस जो है ना सुमन, जो मेरे पास ज्वाइन करते हैं जो बायर है ना, वो ट्रेड नहीं कर पाएगा मेरे पास लाइव में। क्यों पता है? क्योंकि मैं हमेशा मतलब जो सजेस्ट करता हूँ या जो मेरे पास लाइव में बातें होती है, ठीक है, वो ज्यादातर टाइम सेलिंग की बात होती है। जी जी। तो ऐसे कंडीशन में बायर का मोराल डाउन हो जाएगा, तो मैं कहूँ अगर बाइंग करते हैं तो लाइव भी ज्वाइन मत करना, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, स्प्रेड बनाने की इरादा हुआ तो जरूर कर लेना, ठीक है। ठीक, शुक्रिया सुमन, थैंक यू। बोलिए ममता जी, बोलो, जो नए है पहले आज उनसे बात करता हूँ, मेरे नए लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। तो ये मैं पूछ रहा था, आपके लिंक से आप स्टॉक्स में अकाउंट खुल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा, खुल लो, आप स्टॉक्स में खुलवा लो, खुला लो, ठीक है, ओके। पंकज जी बोलिए, पंकज। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, स्प्रेड जो बना, डेली जो बनाना है स्प्रेड, तो सर इसमें हमको देखना भी नहीं है, जैसे आप कभी कभी बताएं कि 500 भी अगर प्रॉफिट आता है तो बुक कर, तो अगर मेरे डीमैट में दिख रहा है कि हमें, पहले बताओ आप पार्ट टाइमर हो कि फुल टाइमर हो? मैं सर जॉब वाले। हाँ तो फिर आपको कुछ करना नहीं, आप जॉब वाले हो ना, आप 500-400 के चक्कर में मत रहो, आपको 3 बजे दिखना है, बस खत्म, तमाशा ही बंद, नो सर ऐसे। और एक चीज ना, स्टैंडर्ड में अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है तो कितना तक मिलता है एक इंट्राडे में से? बात क्या है ना, समस्या प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर आप 300 प्रीमियम शॉर्ट किए हो, राइट, 300 प्रीमियम शॉर्ट किए हो, तो भाई इसका 25% कितना, 75 रुपया, इसका कितना, 75 रुपया, तो अब इसे पाने के लिए कितना है, इसमें पाने के लिए 225 रुपया है ना, पूरा 225 रुपया प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट किए हो कितना, 200 रुपया, 200 रुपये शॉर्ट कर, उस समय देखो कि मैंने कितना प्रीमियम शॉर्ट किया, तो इसमें कितना आपको पाने के लिए 150 रुपये बचेगा ना। yes, तो मैक्सिमम इसमें कितना मिलेगा, 150 तो पूरा दिन जीरो होगा ना एक्सपायरी छोड़ के। yes, yes. ठीक है, तो इसमें जो पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा आपको लगभग वही 2,500 से 3,000, 3,500 तक मिल जाएगा। लेकिन इसमें तो ज्यादा मिल जाएगा ना, 300 का प्रीमियम है, तो इसमें तो आपको 6,000 साढ़े 6,000 तक मिल जाएगा। तो आप दिन में कितना प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है मैक्सिमम। और सर जॉब वाले तो स्टैंडर्ड के साथ वो फ्राइडे और थर्सडे का 9:15 और 2:45 का भी कर सकते हैं। हां वो तो आपके ऊपर फंडामेंटल राइट है। ओके ठीक है, लाइक स्टैंडर्ड और 2:45 और 9:15 का तीन ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, 9:15 का करिए मॉर्निंग का, और फिर आप 9:30 करिए, 2:45 नहीं कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। बोलो कौन है नए नए लोग? नीलेश जैन बोलिए, पुराने लोगों के पास भी आऊंगा लेकिन आज नए लोगों से बात करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज मैंने फिन निफ्टी का ट्रेड बनाया था। हाँ। 17,600 का कॉल और पुट दोनों सेल किया था और 9:20 पे बनाया था और उसको 3:30 बजे तक होल्ड किया। बीच में थोड़ा सा साइकोलॉजी का डर लग रहा था जब बाजार नीचे जा रहा था, तो मैंने सेफ्टी के लिए नीचे 350 का पुट भी बाय किया था। लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा ट्रेड हुआ और मेरा पुट तो जीरो हो गया और मेरा कॉल तो जीरो हो गया, लेकिन मेरा पुट का प्रीमियम निकला। पुट का प्रीमियम नहीं गला। नहीं सर, मैंने 3:25 पे स्क्वायर ऑफ किया, मेरा कॉल तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, मैंने 4 रुपये पे स्क्वायर ऑफ कर लिया और जो मेरा पुट था वो मैंने 58 रुपये का खरीदा हुआ था और 55 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया वो मैंने। तो आपने कौन सा प्रीमियम बनाया था? 600 ना, 55 रुपये में तो क्लोज होगा ना, क्योंकि 940 कितना है, 17,545 इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू, तो 55 रुपये है ना। जी जी, तो 55 रुपये तो रहेगा उसका प्रीमियम वैल्यू, क्योंकि आप जो चीजें सिखाते हैं उस हिसाब से, मतलब मैंने थोड़ा सा अपना साइकोलॉजी लगाया, जो आपने लास्ट में कल जाते हुए ट्रेड दिया था
निफ्टी का, हाँ तो मुझे सॉरी आपको अच्छा ना लगे, मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मार्केट ने इतना अच्छा चाल दिया था, मुझे लगा कि मार्केट अब कहीं नहीं जाएगा एटलीस्ट आज के दिन, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे करेगा जरूर थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए साइकोलॉजी, लेकिन हाँ। जाएगा कहीं नहीं, इसलिए मैंने सर 9:20 पे 17600 का फिर निफ्टी का कॉल और पुट सेल कर दिया था। तो मेरे को सर दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे मेरा पुट का प्रीमियम गला नहीं, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गलती है, तो वो आप थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ गलती है, क्या चीज सुधारनी है इसमें? कोई चीज नहीं सुधारनी है, कोई चीज नहीं सुधारनी है, क्योंकि भाई पहले ये बताओ 17545 इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो इसका प्रीमियम कैसे गिरेगा ये बताओ मेरे को। नहीं सर, जैसे एक्सपायरी के दिन प्रीमियम गलता है तो वो भी नहीं गला, बिल्कुल खड़ा ही रहा प्रीमियम सर, जब ऊपर गया रहा होगा ना, क्योंकि आप ये बताओ 600 का जो पोजीशन बनाए थे आप 17600 का, इसमें मैक्सिमम लॉस कितना देखा था दिन में? सर लॉस तो नहीं देखा सर, लॉस नहीं हुआ था? नहीं सर, 800 रुपए के मैक्सिमम लॉस गया था सर, इससे ज्यादा नहीं गया था। कितना? 800 रुपए। अच्छा ठीक है, तो जब ऊपर गया रहा होगा ना 600 ऊपर गया होगा, तो इसका भाव देखिए उस समय कितना रहा होगा, मतलब 600 आई थिंक 600, क्योंकि 600 के आसपास गया था। एक मिनट, कितना गया था ऊपर? आप एक मिनट थोड़ा देखने दो, 658 गया रहा होगा, 400 जब ये 448 आया था तब कितना, 450 आया था तब आपको लॉस कितना था? 800 रुपए। हाँ, 800 रुपए के आसपास था सर। हाँ तो ठीक था, लेकिन जब ऊपर गया रहा होगा ना ये प्रीमियम, जब ये प्रीमियम ऊपर गया रहा तो उसका 55 का वैल्यू 55 नहीं रहा होगा, 55 का वैल्यू 20-25 ही रहा होगा वहां पर। मैंने ध्यान से देखा, आपने जैसे समझा रखा, जो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है अगर वो रेड बन जाए तो वो ब्रेकआउट नहीं करेगी। नहीं तो इसे ब्रेकआउट कौन सा है कैंडल सर? एक वो हरे वाली बड़ी कैंडल आई थी ना 12 बजे के आसपास, ये वाली? हाँ जी सर। अरे भाई साहब आप इसको समझ रहे हो, 550 से कितना गया था ये, 100 रुपया के ऊपर है, ब्रेकआउट किसको मानोगे आप? ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट के लिए कितना कैंडल चाहिए? अगली कैंडल कंफर्मेशन कर तो सर, अगर वही कैंडल अगर और ऊपर, मतलब वही कैंडल अगर आपका चले जाता 300-400 पॉइंट तो क्या करते? स्टॉप लॉस ले लेता। तो आप पूछना क्या चाहते हैं तो ये बताओ। मैं पूछना ये चाहता हूँ सर कि जैसे एक्सपायरी के दिन अब मैंने आज कॉल और पुट सेल करी है, तो उसमें गलती कहाँ हुई है? जो कोई गलती नहीं है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो उसमें? गलती प्रॉफिट मिला, कहाँ गलती हुआ बताओ मेरे को, किस चीज का परेशानी है? बहुत अच्छा मिला है, 2600 पर लॉट का प्रॉफिट मिला है मेरे को। तो वही तो, फिर उसमें गलती क्यों ढूंढ रहे हो? उसमें गलती ही कुछ नहीं है, आपका एनालिसिस मेरे से बेहतर रहा, आपका लॉजिक मेरे से बेहतर रहा, फिर मेरे से गलती पूछ रहे हो, तो मेरी तो वाहियात आइडिया शेयर करूंगा आपसे। नहीं, आपका इसमें तो कोई गलत है ही नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी टू आस्क सर, मैं सिर्फ इतना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि मेरा पुट का प्रीमियम, मतलब जो गलना चाहिए था थोड़ा बहुत 10-5 रुपए। अरे क्यों गलेगा भाई, जब इंट्रेंसिक वैल्यू उसका 55 रुपया है तो कैसे गिरेगा वो 55 रुपया? इंट्रेंसिक वैल्यू उसका एक्चुअल वैल्यू 55 रुपया है तो क्यों गिरेगा भाई बताओ, जब मार्केट नीचे ही है आपके भाव के आसपास ही, कैसे गिरेगा बोलो आप? और जो ट्रेड अच्छा है ना उसमें जबरदस्ती गलती मत निकालो, वो ट्रेड अच्छा था और बेस्ट था, मेरे से अच्छा था वो। अच्छा, तो उसमें गलती क्यों जबरदस्ती ढूंढ रहे हो कि सर इसमें गलती क्या था? था ही नहीं कुछ गलती, तो क्या बताऊंगा गलती में आपको? सॉरी सर, सॉरी। एक छोटा सा और सवाल है सर। अब सर कल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे कि आप मार्केट को कहां देखते हैं कल? कल मार्केट फिर वोलेटाइल होगा तो मैं कल देखता हूँ, देखो क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कल ना ट्रेडिंग के लिए अच्छा सेटअप नहीं रहेगा। मैंने वीडियो एनालिसिस में भी डाल दिया है कि ट्रेडिंग के लिए कल का ट्रेड बेस्ट नहीं। सर वीडियो तो मैंने आपकी पूरी देख ली है और मैं समझ भी गया कि आपने तीनों सिनेरियो बता दिए, गैप अप कभी, गैप डाउन कभी, और अगर जिस लेवल पे अभी बंद हुआ है उस लेवल पे खुलता है तो भी क्या करना है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, कल के लिए ट्रेडिंग सेटअप अच्छा नहीं है, मतलब चाहे गैप अप खुलेगा सवाल ही नहीं है कि बाई होगा, ऊपर से शॉर्ट हो सकता है हमारे लिए, लेकिन अगर एक गैप डाउन खुलता है आज के लो के बिलो खुलता है तो फिर कंटिन्यू में शॉर्ट होगा और मार्केट का जितना भाव देख रहे हैं वहां से कम से कम 150-200 पॉइंट और नीचे दिखेगा आपको। तो ये मेरा लॉजिक है सुबह के लिए, फ्लैट खुलेगा सबको फंसाएगा, जो भी आप थोड़ी देर पहले बोले कि सर साइकोलॉजी बिगाड़ेगा, पक्का साइकोलॉजी बिगाड़ेगा, क्योंकि एक ही कैंडल का भाव ही 100 रुपया है यार,
350 पॉइंट का एक कैंडल है बैंक निफ्टी का, कैसे कोई ट्रेड डालेगा बताओ? कम से कम एक कैंडल का तो स्टॉप लॉस डालेंगे ना, तो 350 तो कोई फेवरेबल हुआ ही नहीं हमारा, लॉजिक ही नहीं। तो कल तो मैं सोचूंगा कि ठीक नहीं है मार्केट, कल ट्रेडिंग के लिए अच्छा मार्केट नहीं होगा। सर कल आपके हिसाब से अगर मैं ट्रेड करूं तो बैंक निफ्टी में करूं या निफ्टी में करूं? मुझे पता नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर स्ट्रेटल बनाना है, देखिए एकदम लॉजिक क्लियर रखिए, एकदम दिमाग क्लियर रखिए, आप प्रोफेशनल हैं, आप फुल टाइम ट्रेडर हैं या फिर पार्ट टाइम, पहले बता दो। सर फुल टाइम ट्रेडर। फुल टाइम ट्रेडर है आप, सुबह से कोई जब मार्केट खुलेगा 100 रुपये का प्रीमियम बेच देना, शांति से बैठे रहना, एसएल कटेगा एसएल ले लेना, फिर मंथली वाला 100 रुपये का प्रीमियम बेच देना अगर मार्केट बीच में आ जाएगा तब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। स्ट्रेंगल बनेगा कल का ट्रेड, स्ट्रेंगल, लेकिन जो जिसको जैसे स्ट्रगल बनाना है, जो स्ट्रगल बनाता है 9:30 स्ट्रगल बनाओ, आपको इधर लोगों को इधर सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेंगल किसे कहते हैं आप? ओटीएम कॉल पुट, आप क्लास ज्वाइन नहीं किया था? सर मैंने ना तीन क्लासेस करी हैं सिर्फ आपकी अभी तक। तो फिर ना आप मेरा टाइम पास कर रहे हैं, फिर आपने पूरा 40 क्लास देखे इसके बाद पूछे, फिर गलत बात। नहीं सर, आप मेरी साइकोलॉजी नहीं समझ रहे। एक्चुअली क्या है, मैं आपकी जो वीडियो, आपकी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, सर आपको ये नहीं पता है कि स्ट्रेंगल किसे कहते हैं? फिर नाम में कंफ्यूजन है, स्ट्रेंगल में नहीं, यही तो बोल रहा हूँ, जब आपको यही नहीं पता है कि स्ट्रेंगल किसे कहते हैं, नाम है तो फिर ये तो बात ही नहीं हुआ ना सर। पहले ना वीडियो देखिए, इससे बात नहीं करेंगे फिर फालतू बात, पहले वीडियो देखिए आप पूरा। नहीं ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना यार, काम की चीजें बोलिए, और लोग भी यहाँ पर बोलिए। नागार्जुन जी, क्या नागराजू नहीं है लाइव में? चलो बोलो रजनीश। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने आज आपका जो था निफ्टी के उसमें मैंने बनाया था, मतलब प्रॉफिट हुआ 6000 के आसपास एक लॉट में। सर मेरे को बस ये पूछना था कि उसके बाद मैंने फिर निफ्टी में ही एक और ट्रेड बनाया था जिसमें 17200 की कॉल सेल करी थी और 17400 की कॉल बाय करी थी। फिर सर फिर मैंने इसको 12 बजे के आसपास किया था और मैं 3:10 तक वेट किया कि, बट इसमें सर प्रीमियम्स का बढ़ता जा रहा था, किसी का घट ही नहीं रहा था, मतलब कॉल सेल वाले का तो कुछ नीचे आया नहीं, फिर ज्यादा लॉस नहीं हुआ, 300 रुपए में निकल गया, लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं सर कॉल इसका, मतलब कॉल जो सेल किया था उसका तो प्रीमियम टाइम के साथ। ये बताओ 17200 किस कंडीशन में 17200 आना चाहिए था फिर निफ्टी को? नहीं मैंने 292 पे उसको बेचा था सर। अरे वो बात ठीक है, वो बात छोड़, पहले ये बताओ 17200 कैसे जाना चाहिए था बाजार को? उस प्रीमियम को शॉर्ट करते हैं जिसके नीचे बाजार जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। जैसे कल मैं ट्रेड डाला था, कल ट्रेड डाला था तो मेरा व्यू क्या था कि अगर मैं ट्रेड डाल रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, अगर मार्केट जिस तरीके से सिनेरियो खराब है अगर कंटिन्यू में जाएगा तो मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं 400 या 500 का ट्रेड डालता तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता? 1:1 से कम रहता। तो मैं कभी, मेरी लॉजिक ये है कि मैं कभी भी 1:3 से कम का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड डालता ही नहीं, ताकि मुझे 1:1 तो मिल जाए, 1:2 तो एटलीस्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं ट्रेड डाला था जब मार्केट 41,500 था, तब 41,500 था तब मैंने ट्रेड डाला था 39,000 का, तो कोई लॉजिक ही नहीं था ना वहां आने का, लेकिन मार्केट आया कि नहीं आया? तो मैं हायर रिस्क रिवॉर्ड क्यों ट्रेड डालता हूं कि अगर गलती से मेरा एक ट्रेड गलत हो जाएगा तो एक ट्रेड जो प्रॉफिट आएगा ना, मेरा 3 ट्रेड का प्रॉफिट देके जाएगा, इसलिए मैं हायर रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड डालता हूं। इसलिए नहीं कि आज मार्केट क्या होगा कल, मेरा काम नहीं है मार्केट क्या करेगा, ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम है कि मार्केट किधर मूवमेंट कर रहा है, मैक्सिमम मूवमेंट तक मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि गिरावट है इसलिए मैक्सिमम मूवमेंट दे सकता है। हाँ, मैक्सिमम वहां पर शॉर्ट करना चाहिए था तब तो भाई, क्योंकि देखो आप जो शॉर्ट कर रहे हो, हम जो शॉर्ट करते हो आईटीएम शॉर्ट करते हो, उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है, प्रीमियम उसका गिरता है डियर जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, सॉरी जिसमें टाइम वैल्यू होगा। तो जिसमें टोटल इंट्रेंसिक वैल्यू है, जैसे अभी जैन जी बोल रहे थे, उसमें तो टोटल इंट्रेंसिक वैल्यू है ना 55 रुपए, तो कैसे गिरेगा वो? मतलब 100 रुपए का कीमत आप 99 रुपए में कहीं से बाई करके बताओ मेरे को, जो 100 रुपया का नोट है उसे 99 रुपया 90 रुपया बाई करके बताओ, जिसको 90 रुपया दो आपको 100 रुपये दे देगा, देगा कोई? लेकिन जो 110 रुपया का, जो 100 रुपया का नोट है कहीं 110 रुपये मिल रहा है, आपको दूसरे जगह जाओगे ना 100 रुपये मिल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो जिसमें टाइम वैल्यू है ही नहीं है उसका प्रीमियम गिरेगा कैसे? तो आप जो किए वो, मतलब अगर डायरेक्शनल हो जाता
तो आपका जो प्रॉफिट होता है ना वो अनलि मतलब मैक्सिमम होता जितना आपने हाँ, सोचा सर, था उसमें सर उसमें लॉस दिखा रहा था 472 रुपए का और प्रॉफिट दिखा रहा था 8000 का। तो वही बात है, अगर आप देखो अभी कोई लड़का सवाल करता सर जीरो लॉस क्या होता है, जीरो लॉस यही है, जीरो लॉस का मतलब ये होता है कि लॉसे होना है। Okay. जीरो लॉस से कोई ट्रेड बनता नहीं है, तो आप कम से कम जब भी ट्रेड डालते हो 2000-2500 का लॉस रखो और 4000-6000-8000 का प्रॉफिट रखो, ये पैसा देता है। 200-300 लॉस कम करने के चक्कर में ट्रेड मत बनाओ, आप ये ट्रेड बनाओ क्या मार्केट का डायरेक्शन सही है। दूसरा 12 बजे के बाद तो डायरेक्शन समझ में आ गया था कि अब नीचे जाएगा नहीं, इसीलिए तो 12 बजे के आसपास जब मार्केट ऊपर हो रहा था तो हम लोग कट किए पोजीशन को, ठीक है, इसीलिए कट किए कि अब ना ये नीचे नहीं जाए, एक बार ब्रेकआउट हो गया है भले वापस आ जाएगा। जितने लोग लाइव में थे सबको बोला अभी ट्रेड डालोगे आपका 100% स्टॉप लॉस कटेगा, ट्रेड डाल के बताओ, तो ट्रेड बनता ही नहीं था, बिल्कुल लॉजिक नहीं था ट्रेड डालने का। तो हाँ बिल्कुल ट्रेड करके सीखा जा सकता, अगर गलती से मान लो कि मार्केट आफ्टरनून के बाद नीचे चले जाता तो आपको जो प्रॉफिट मिलता सोचो कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता आपको। सर इसमें छोटा सा एक और क्वेश्चन था सर, जब वो मार्केट के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, जब ये ऊपर मार्केट जा रहा था जो मेरा लॉस दिखा रहा था वो 400 रुपए का मतलब प्रोजेक्टेड था, बट वो लॉस बहुत ज्यादा दिखा रहा था, जब जा रहा था तो कम से कम 1000-1200 का लॉस आ रहा था। 1000-1200 इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जिस आईटीएम को शॉर्ट किए थे उस समय, जिस समय आप देख रहे थे स्क्रीन में उस समय उसमें ट्रेड नहीं हो रहा था आईटीएम में, तो आईटीएम में क्या हो रहा था 15-20 रुपए के बीच में फ्लक्चुएशन था जी, तो जब वो ट्रेड होता है फिर वो आपका सेटल होता है, फिर थोड़ा देर में आपको फिर से पीएल एंड ओ आ जाता होगा जी। हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू डियर। चलो किशोर बोलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं मंथली में पोजीशन बनाता हूँ, हमेशा 2 महीने से बना रहा हूँ, आईवी ड्रॉपेज का ये लेता हूँ मैं सर बेनिफिट, तो उसमें मैं ओटीएम बेचता हूँ सर पहले 300 रुपए के आसपास के, और बाद में जैसे स्टैंडर्ड की तरफ जाता है एंड द मनी पे, तब तक मैं जब तक हैंडल होता है तब तक करता हूँ, और बाद में जब हैंडल होना छोड़ देता है लॉस दिखाना चालू कर दिया जाता तो क्लोज कर देता सर ट्रेड और मैं नया ट्रेड बनाता हूँ बाद में। क्या है सर ये बनाना ठीक रहेगा? पहले मैं बताऊँ ना, इसकी एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, मैं ट्रेड डालता हूँ 100 रुपये का, जैसे मुझे ट्रेड डालना है मंथली वाला पोजिशन मैं 100 रुपये का डालता हूँ और उस 100 रुपये को एडजस्ट करता हूँ, 300 रुपये एडजस्ट नहीं होगा, मेरा लॉजिक रहता है 2500 पॉइंट ऊपर शॉर्ट करो 2500 पॉइंट नीचे शॉर्ट करो, वो पोजीशन हेज हो सकता है, वो पोजीशन एडजस्ट स्टडल तक होल्ड किया जा सकता है, वो पोजीशन आपको पैसा दे देगा स्टडल। उसमें कैसा जब प्रीमियम 1:2 होता है ना, जैसा 100 वाला बेचा मैंने तो एक 75 रुपीज आ गया और एक 150 आ गया, तो 75 वाले को बुक करता हूँ और 150 के साथ नया 150 का डालता हूँ, ऐसे करते करते मैं चल दिया था मैं। नहीं मार्केट रेंज में रह जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इधर नीचे निकलेगा, जब तक 50% गिरे नहीं ना एडजस्ट नहीं करना चाहिए। जो आप शॉर्ट किए हो सामने वाले का, मान लो 100-100 रुपये शॉर्ट किए हो, 100-100 रुपये शॉर्ट किए हो, एक का भाव हो गया 200, दूसरे का भाव हो गया 50 रुपया, तब एडजस्ट करते हैं, फिर से 100 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करते हैं, फिर मान लो ये 200 रुपये वाला 400 हो गया, ठीक है, तो ये 50 रुपये हो जाएगा, फिर उस समय हम M2M अभी लॉस बुक थोड़ी किए हैं, अभी हमें लॉस दिख रहा है, जिस दिन मार्केट रिवर्स होगा ना 3-4 दिन में रिवर्स हो जाता है, जिस दिन मार्केट रिवर्स होगा ये वापस आ जाएगा और ये फिर 100 रुपये वाला आपका 150 चले जाएगा, 200 चले जाएगा, ठीक है ठीक है मिल जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, बीच में सैटरडे संडे है ही आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैंने जो बताया मैं कह रहा हूँ एडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है अभी, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो ना वही करोगे, अच्छा है आप लोग करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। राजू क्या नाम है? रेपागा राजू बोलो भाई, माइक ऑन करो। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर, ये 9:30 स्टडी लेना सर। हाँ उसमें अगर 9:30 की हम शेड्यूल बना रहे, अगर 10-10:30 ऐसा दोनों तरफ ऐसे कट गए तो और फिर से डालने सर ऐसे छोड़ देना है? नहीं नहीं मत डालो, मार्केट वोलेटाइल है इसका मतलब ये हुआ। ओके, 1-2 घंटे के बाद फिर से नहीं डालने सर? हाँ फिर मत डालो क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, थर्सडे को कर सकते हो, थर्सडे को करिए, थर्सडे को नेक्स्ट एक्सपायरी करिए। ओके ओके सर, थैंक यू, ये मेरा सवाल, थैंक यू। चलो विदित नहीं है, राजकुमार माइक ऑन रखो,
नागराजू नहीं है, राहुल द्विवेदी बोलिए। सर नागराजू बोलो। हाँ सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे पास एक 5 लाख कैपिटल है सर। एक्चुअली इसका पहले मैं आप बोला ना काली बाइंग करता था ऑप्शंस। हाँ क्या मैंने स्टॉक्स का भी ऑप्शंस बाय करता दो तीन आर्ज भी नहीं था। आजकल आपका ऊपर स्ट्रैटल वगैरह बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ सर। 5 लाख कैपिटल है। ठीक है अभी शुरू किया था महीने को कितना कमा सकते सर अप्रोक्सीमेटली ओनली स्ट्रैटल किया तो। सर देखो क्या है ना मैं अप्रोक्सीमेट मानता हूँ कि 3 से 4% इजिली बन जाता है। कभी कभी बहुत अच्छा कर पाए तो ये 7% तक जा सकता है लेकिन इसकी कमिटमेंट कोई नहीं कर सकता। 3-4% बन सकता है तो इसका मतलब 15 से 20 हजार। क्यों सर लास्ट टाइम मैं ऐसे बिना बोल के बिना बात करके जो भी फ्रेंड्स पता था ना उसके हिसाब से मैं 10 लाख रुपीज लॉस्ट है। आप ना रिकवर होगा ये मत सोचो। आप ये सोचो कि क्या मैं इससे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। आप ये सोचो आप छोटा छोटा टारगेट रखो। 50,000 50,000 रखेंगे होगा ही नहीं फिर गलत होगा ट्रेड। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने 50,000 50,000 लॉस देखा होगा लेकिन अब 50,000 प्रॉफिट नहीं देखोगे आप इंट्राडे में। ये भी बता दूँ आपको तो आप जो भी ट्रेड करो अभी एक एक लॉट से स्टार्ट करो क्योंकि स्ट्रगल आपको मालूम नहीं है। एक एक लॉट से स्टार्ट करो एक महीना करके देखो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि स्ट्रगल में एवरीडे ट्रेड करते हैं इसलिए ब्रोकरेज भी जाता है। तो इस स्ट्रगल में कम लॉट में ट्रेड करोगे ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा। बड़े लॉट में ट्रेड करोगे ब्रोकरेज कम जाएगा। हाँ जी, तो पहले एक एक लॉट दो दो लॉट में ट्रेड करके देखो ठीक है फिर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना और अल्टीमेट कम से कम एक महीना करना फिर एक महीने के बाद मुझसे पूछना। लास्ट लास्ट 20 दिन से मैं वर्चुअल ट्रेड कर रहा था सेंसिबल्स में। हाँ वो पैसा के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। आप जो भी बोल रहे ना लाइक 9:30 का स्टार्ट ले मैं भी इवनिंग टाइम में 3:30 को स्टार्ट ले वो डाल रहा हूँ मैं। मगर वो प्रॉफिट मिल रहा अभी तक तो वर्चुअल में तो कुछ करने इतने कैसे जितना भी वर्चुअल में साइकोलॉजी नहीं है ना। हाँ वर्चुअल में फियर नहीं है। दिमाग खराब है आपका। एक बार क्या हुआ ना एक नियो स्टॉक करके सॉफ्टवेयर है ठीक है आप ही जैसे एक लड़का था मैं उसको बोला यार स्ट्रगल बनाना है 9:30 को ठीक है और वहां पर मिलता है 10 करोड़ का मार्जिन। 10 करोड़ का मार्जिन मिलता है। उस बंदे ने एक महीना में कितना कमाया पता है? एक महीना में 50 लाख बनाया पोजीशन प्रॉफिट। 50 लाख। सुनो 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 सुनो। तो 50 लाख तो कमा लिया। ट्रेंडिंग अच्छा मार्केट था। फिर एक दिन मुझे बताया सर 50 लाख प्रॉफिट मिला बहुत अच्छा है। मैं बोला बहुत बढ़िया है ठीक है। तो कितना क्वांटिटी किया? सर बोला 10-10 हजार। मैं बोला तेरे डीमैट में कितना पैसा है? बोला सर 2 लाख। बोला तू मरेगा वापस नहीं आएगा मार्केट में दोबारा। ये 2 लाख रुपए बाजार में जाने वाला है तेरा। ऐसा नहीं करना है। आप ना अभी वर्चुअल में आपको एक एक दो जितना आप कर सकते हो ना उतना ट्रेड डालो ठीक है। क्योंकि अभी लॉस देखो क्योंकि ना आप मार्केट को ज्यादातर लोग मार्केट को प्रॉफिट के नजरिए से देखते हैं। मैं बोलता हूँ मार्केट को लॉस के नजरिए से भी तो देख के देखो कैसे लगता है। क्या आपके पास 5 लाख है? क्या आपके पास 5 लाख जो पैसा है इस 5 लाख में क्या 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो बाजार में हो या नहीं पहले बताओ। नहीं वही बता नहीं आप मगर उगर की बात नहीं किंतु परंतु क्यों मैं बोल रहा हूँ 5 लाख रुपए कैपिटल है आप 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो यस और नो। यस सर। तो फिर कोई सवाल मत करो। एक आप एक लॉट में ट्रेड करो मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिट में 100% आओ। सोचो ही मत कुछ भी फिर कुछ मत सोचो ठीक है सर। 100% प्रॉफिट में आओ। यू वर द लास्ट टाइम से 2% ऑन लिया था सर। मेरा फ्रेंड्स वगैरह बोल के कुछ नारद नहीं था। पहले टाइम आया बानियरली एक महीने में 5 लाख आया मेरे को। कॉल में कॉल्स करना स्टॉक्स का ऑप्शन से था वो खरीद किया था बिना बोल के। मगर एक टाइम में जीटीवी में था वो आया था 3 लाख एक दिन आया। उसके हिसाब से जॉब छोड़ के यही किया था अच्छा करके सोचा ऐसा डाल दिया जो भी पैसा है 10 लाख
पूरा एक एक टाइम में 80,000 30,000 40,000 मंथली का ऑप्शन है सर, आज बढ़ता कल बढ़ता करके सोचते और पूरा पैसा डुबा दिया मैं। आप ही के साथ नहीं सबके साथ होता है भाई, आप कोई नई बात नहीं, इसलिए ज्यादा परेशान मत रहो, इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी एक ट्रेड डालो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है सर, दैट इज ओनली सर स्टार्टिंग 5 लाख में एक ही लॉट डाल तो खत्म, अभी दो लॉट में करो। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। चलो अब किससे जाऊं यार, श्रीनिवास, श्रीनिवास भव्या, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो सर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम हंसना नहीं। अरे यार कमाल है, बोलो बोलो। अभी सर एक ट्रेड बनाने के लिए सपोज हमारा 30,000 बना, बेचने के लिए दो एक कॉल बेचे या सेल कुछ भी 30,000 बना, यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस बोलते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम मेरा लॉस 30,000 को लिमिटेड रहेंगे ना? नहीं मतलब क्या क्या समझाने में, फिर से बोलो सर। एक स्ट्रैडल बनाए समझो सर, स्ट्रैडल, हाँ, उसके लिए 30,000 मेरा मार्जिन लगा। नहीं 30,000 नहीं लगेगा, कम से कम 1,50,000 रुपए लगेगा। ठीक है सर, 1,50,000 लगा। हाँ अभी मेरा ट्रेड गलत गया, हाँ, तो मैक्सिमम मेरा लॉस 1.5 लाख। हाँ मैक्सिमम 1,50,000 या 50,000, 1,50,000 उसके बाद कट जाता है, ट्रेड कट जाता है। नहीं 80% जाते हैं, पोजीशन काट कट कर देगा आपका ब्रोकर। ओके, सो उसके आगे नहीं रहता जो मार्जिन मनी हमारा है। लेकिन इतना लॉस होने में पता है मार्केट कितना जाना पड़ेगा? सॉरी सर, कम से कम मार्केट को ना 6,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट मूव करना पड़ेगा। फॉर्मूला कल बताऊंगा, प्लेच करके रखा हूं, इससे मेरा जो है 2 लाख रुपए का मार्जिन बना। तो उसमें है ना मैं ना बाय करने गए तो इज नॉट अलाउड, सेल को अलाउ करेगा? पहले सेल करो फिर बाय करो, मिल जाएगा। पहले सेल करो फिर बाय करने से नो जीरो का अलाउ करेगा, बट डायरेक्टली ओनली सेल करने से अलाउ नहीं करेगा। नहीं सेल करने में अलाउ हो जाएगा, लेकिन सेल करके बाय करोगे अलाउ हो जाएगा, अलाउ होगा, बट ओनली बाइंग इट विल नॉट अलाउ, ना नहीं अलाउ। थैंक यू सो मच सर, यू क्लैरिफाइड मी, थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू। बोलिए भव्या जी, चलो बोलो और कौन है, द्विवेदी, चलो सवाल खत्म नहीं हो रहा है, चलो राजकुमार बोलो, राहुल द्विवेदी बोलो भाई, क्यों है इंडाइस करके? हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये बोला था कि मैं कंटिन्यू पिछले एक साल से कर रहा हूँ 915 वाला ट्रेड, और 920 तक 925 तक उसको क्लोज करता हूँ और उसमें रेगुलर प्रॉफिट आता है, और 930 वाला मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे आप बता रहे हैं जॉब के लिए, 930 वाला स्टार्टर बनाना है और 20-25% उसमें ऐसे डाल के कंटिन्यू करना है। हाँ। क्या मैं इसके साथ दोनों कर सकता हूँ क्या? 950 में क्लोज हो जाता है। हाँ ये 920-925 तक क्लोज, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, ये तो एडिशनल हो जाएगा ना। अच्छा, और जो 930 वाला ट्रेड है तो कैपिटल मेरे पास सर 12-15 लाख रुपए से मैं करता हूँ ट्रेड, तो क्या मैं एक लॉट से ज्यादा कर सकता हूँ क्या, दो लॉट या तीन लॉट? अभी अभी तो मैं 5-6 करता हूँ, पाँच ही करो ना, क्योंकि 5 में लॉस जो होगा ना 25,000 तक मैक्सिमम जा सकता है किसी दिन जी, ठीक है, इससे ज्यादा ना लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाओगे भाई साहब। हाँ इसीलिए मैं सोचा हूँ क्लारीफाई करूँ, क्योंकि 25,000 प्रॉफिट ना शायद होल्ड नहीं कर पाओगे जी जी। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ आप देखो ही मत, आप फ्री 3 बजे देखोगे 3:10 में देखोगे तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लॉट से भी मैं करता हूँ, बीच में मैं ट्रेड देख ही नहीं रहा हूँ तो होल्ड हो जाएगा, 3 बजे तक 3 बजे ही मैं देखूंगा। हाँ ठीक है कर, नहीं अभी जो लॉट कर रहे हो ना वही लॉट करो, अभी मत इंक्रीज करो। ठीक है ठीक है, थैंक यू। और किसका है बच के सवाल, क्लोज करें भाई, रणधीर क्या है बोलो सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक बोलो सर। ये बोला था सर कुछ क्वेश्चन था कि सर आपने 2018 में शुरू किया था ट्रेडिंग? हां नहीं नहीं, 2018 नहीं, 2018 में मैंने चैनल शुरू किया। अच्छा, और लॉकडाउन के टाइम पे आपने किया था?
नहीं, लॉकडाउन के टाइम मैंने लाइव शुरू किया, लॉकडाउन के टाइम मैंने लाइव ट्रेडिंग शुरू किया। एक्चुअली मैं तो 2002 से मार्केट में हूँ, लेकिन एक्टिवली ट्रेडिंग ना 2010 के बाद ही हुआ है। सर उस टाइम पे आप बता रहे थे कि एक एक लॉट में सेल करता स्ट्रैडल बना रहा था जो ये तो स्टार्टिंग 20 की ब्लॉक में। बात है ना, कोविड के बाद, दिसंबर कोविड की बात है, दिसंबर 20 की बात है, दिसंबर से मैंने शुरू किया है। ठीक है, तो दिसंबर से शुरू किया है, दिसंबर जनवरी फरवरी स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत अच्छा अनुभव नहीं था, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होता था ना, मतलब क्योंकि इस टाइप का मैं ट्रेडिंग करता नहीं था। मैं फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर मतलब मैं क्या करता था कि फ्यूचर में ट्रेड पोजिशन बनाता था, तो फ्यूचर में चार्जेस ज़्यादा लगता है। ठीक है, फिर मैंने आईटीएम शुरू किया, स्ट्रगल बनाते बनाते आईटीएम शुरू किया, फिर मैं मल्टी स्ट्राइक स्ट्रगल शुरू किया, तो ये सब प्रैक्टिस करना मेरा 2 साल हो गया करते करते, पोजिशनल मैंने अभी शुरू किया है। अच्छा, तो सर जैसे कि हम लोग भी बनाएंगे अभी स्ट्रेडल, तो बना ही रहा हूँ सर मैं भी, जब से आप बता रहे हो तब से मैं रेगुलर बना रहा हूँ स्ट्रेडल। हाँ तो सर इसमें अगर आप बोल रहे हैं 3 से 4% प्रॉफिट होगा, तो सर हम लोग जैसे कि 1-2 साल में हम भी अपना अच्छा कैपिटल इसके साथ करके आगे लोड बढ़ा के कर सकते पहले हैं करो, रेगुलर? तो पहले बता रहा हूँ, पहले साल भर तो चलो, पहले प्रॉफिट में तो आओ, पहले डीमेट प्रॉफिट में तो आए 1 साल का M2M। क्योंकि सर 1 वीक से कर रहा हूँ, तो अभी तो ब्रेक इवन में हूँ मैं। नहीं, ब्रेक इवन में इसलिए हो क्योंकि आप कट कर दे रहे हो। पहले बताओ कल कितना सर प्रॉफिट था। कल में तो सर मेरा एक लॉट पे, एक पे था 1600 का लॉस था, दूसरे पे 6000 का प्रॉफिट था सर। हाँ, तो अभी इसमें ब्रेक हाँ इवन कैसे सर। होगा? अभी तो मुझे लगता है कंटिन्यू प्रॉफिट मिला होगा। नहीं सर, अब जैसे आज वाले में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना दोनों साइड, आज वाले में स्टॉप लॉस हिट हुआ है? बैंक निफ्टी में नहीं हुआ नहीं, आज वाले में छह स्टॉप सौ लॉस का कैसे हिट होगा ये बताओ मेरे को। सर ये वाला प्रीमियम जो सुबह में था बहुत मैंने तेजी भी से डाला बढ़ा था था। भाई साहब, मैंने भी डाला था ट्रेड सुबह 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 मैंने भी डाला है, और जैसे ट्रेड डाला हूँ पुट में सेल कटा है। ठीक है, पुट में सेल कटा है, इसके बाद कॉल में तो ऊपर गया ही नहीं। सर मेरा पता नहीं कैसे कट गया था, मैंने देखा कट गया तो उसको हटा ही दिया। तो कितना गया आज लॉस? लॉस सर आज मेरा था लगभग 1300-1400 के आसपास था। हाँ, तो क्या प्रॉफिट था? चलो ठीक है, चलेगा, कंटिन्यू करो, ब्रेक सर इवन में नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रेंडिंग है, आपको इस बड़ा ट्रेड छोड़ रहे हो। कल कितना बजे क्लोज किया था ट्रेड को? कल सर 3:10 के आसपास किया था। अरे यार, तो कल तो प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए था यार। हाँ और कल इसके सर इसके मेरा इसके वही पहले बोल दिन, रहा, इसके पहले दिन इसके पहले दिन ये हाँ इसके इस दिन किया था सर, इस दिन जो है हाँ इस दिन किया था, जहाँ पे आपका कर्सर है इस दिन किया था मैंने, तो क्या हुआ इस दिन? इस दिन सर प्रॉफिट था। तो ब्रेक इवन में कैसे, मुझे समझ में आया कहाँ गलत हो रहा है। एक आध दिन ना सर जो पहले वाला था ट्रेंडिंग वाला जो आपने बताया था, एक बार मैंने आपसे बात किया था, आपने बोला था कि आपने ट्रेंडिंग वाला मिस कर दिया, हाँ उसके बाद मैंने शुरू किया, तो इसकी वजह से मेरा है थोड़ा सा। चलो ठीक है, अभी महीना आने दो, है ना। अच्छा सर ये जो आप बोलते हैं जैसे कि सर हमारा ये होता है कि मार्केट जो है तो होता है 70% साइडवेज होता है और बाकी 30% ट्रेंडिंग होता है, तो सर ये 9:30 वाला हम स्ट्रैडल बनाते हैं, तो ये हम सर इस हम तो ये व्यू रख के बनाते हैं कि हमारा मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी हम पैसा कमाएंगे इसमें। नहीं, हमारा व्यू रहता है कि मार्केट साइडवेज होगा। तो सर साइडवेज में, सर साइडवेज में थोड़ा सा भी वोलेटिलिटी हुआ तो चल सर 25% का प्रीमियम तो कट जाएगा ना। तुम बोलना क्या चाहते हो ये बताओ, फालतू सवाल कर रहे हो, पहले बोलना क्या है सर बताओ। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ सर जो सर मैंने बोला जो स्टार्टअप बनाना है 9:30 को, खत्म, और ज्यादा सोचना मत, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। 9:30 का ट्रेड बनाओ, 1 महीना ट्रेड करो, प्रॉफिट मिलेगा तो बताना, लॉस मिलेगा तो बताना। अच्छा सर एक लास्ट और था सर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैंने एक बार आपसे और पूछा था सर, प्लीज थोड़ा सा खराब क्वेश्चन, आपको खराब लगेगा सर, जो एक नहीं होता आप 100-100 रुपये वाला हम प्रीमियम सेल करते हैं, हाँ तो इसमें आपने एक बार बोला था कि जब इसका 100 का 50 अगर प्रीमियम हो जाएगा तो उसको बुक कर लेंगे, अरे वो और जो मंथली दो का सौ स्टेट मंथली का एडजस्टमेंट हो। हाँ, वही एडजस्टमेंट वाला सर प्लीज एक बार बता दीजिए आप। तो क्या तुमको एडजस्टमेंट करना है मंथली का? हाँ सर रेगुलर ट्रेड करूंगा तो करूंगा। अच्छा कितना कैपिटल है तुम्हारे पास अभी? 2.5 लाख।
अरे 2.5 लाख में ट्रेड नहीं होगा तुम्हारा इंट्राडे का, एक तुम्हारा स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर कहाँ से करोगे तुम मंथली वाला? बता रहा हूँ ना, कंफ्यूजन बहुत है आप लोगों को, पता ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, स्ट्रगल बनाओ शांति से बैठे रहो, या स्ट्रगल बनाओ एक ही काम करो, जो भी काम करो एक करो, नहीं तो बता रहा हूँ ना खाली हाथ जाओगे मार्केट से, बल्कि जो थोड़ा बहुत रहेगा देके जाओगे घर का। बहुत कंफ्यूजन है। चलिए अब बाकी सारी चीजें कल बात करेंगे, ठीक है? कल लाइव के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल शेयर कर दूंगा, इसके बाद एक डायमंड थ्योरी है वो मैं बता दूंगा आप लोगों का, ठीक है? और कल आप लोगों को शाम तक लाइव का जो डिस्क्लोजर है, सॉरी क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको लाइव का मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। जितने लोग भर लेंगे उनके ऊपर फिर बात करेंगे, आप शाम तक भर लीजिएगा। थैंक यू, कल दोपहर तक मैं अवेलेबल करा दूंगा। ओके बाय बाय, शुभरात्रि, गुड नाइट। फोकस रहिए, पता है एक काम में ना फोकस रखिए एक चीज में। थैंक यू, ओके। नए लड़कों को बहुत कंफ्यूजन है, सब करना है।